पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हर छोटे बड़े मंच से महिला कार्ड खेलने का प्रयास किया है। फिर चाहे संसद में महिला आरक्षण बिल पास करने की बात हो या फिर जयपुर में मोदी की जनसभा में बागडोर महिलाओं को देने की बात हो। आमतौर पर हिंदुत्व और धार्मिक आस्था को एजेंडा बनाकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार राजस्थान में कांग्रेस ने पीछे छोड़ने का प्रयास किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, वो भी ठीक नवरात्रि के मौके पर। इस लिस्ट में महज 33 नाम हैं, जिनमें 9 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं इतने कम नामों में भी कांग्रेस ने 9 महिलाओं को शामिल करते हुए महिला कार्ड खेला है। अब कांग्रेस इन 9 महिला उम्मीदवारों को 9 देवियों के तौर पर प्रमोट कर रही है। बता दें कि पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 100 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर सहमति बन चुकी है। इसके बावजूद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों का नाम ही आना चर्चा का विषय है। अंदेशा था कि प्रियंका गांधी की सभा के बाद ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों में 9 सीटों पर महिला उम्मीदवार भी उतारे हैं, जिसको लेकर सियासत में कई मायने लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है कांग्रेस की ये 9 देवियां। कांग्रेस ने सादुलपुर से कृष्णा पूनिया को, मंडावा से रीटा चौधरी को, मालवी नगर से फिर से अर्चना शर्मा को, सिकराय से ममता भूपेश को, जायल से मंजू देवी को, औसिया से दिव्या मदेरणा को, जोधपुर से मनीषा पवार को, वल्लभ नगर से प्रीति गजेंद्र सिंह और कुशलगढ़ से रमिला खड़िया को चुनावी मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि अर्चना शर्मा पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के कालीचरण सराफ से हार गई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की थी। उनको फिर से इसी सीट से टिकट मिला है। इसी तरह कृष्णा पूनिया को फिर से सादुलपुर से टिकट मिला है। मंत्री ममता भूपेश का टिकट पहले से ही सिकराय से तय माना जा रहा था। इसके अलावा साल 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बनी रमिला खड़िया को कांग्रेस से टिकट मिला है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस में सियासी संकट के दौरान सीएम अशोक गहलोत का साथ दिया था। जनता दरबार के लिए विजय वर्मा की रिपोर्ट।